डियर स्टूडेंट आरसी एजु हब पांचू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सेकंड के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था सल्फर के जो कार्य, उसमें मैंने दो तीन फंक्शंस जो है वो बता चुका था। नेक्स्ट जो फंक्शंस है, जो सल्फर है वो पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देता है। सल्फर के कार्य, यह पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देता है। पौधों में रोग प्रतिरोधी जो क्षमता है उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। सेकंड, सल्फर जो है एन बटे एस गंधक जो होता है चारे के अंदर जो नाइट्रोजन और सल्फर का जो अनुपात है उसको घटाकर चारे की जो क्वालिटी है उसमें वृद्धि करता है। सल्फर चारे में एन बटे एस अनुपात को घटाकर चारे की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। तो ये है आपके सल्फर के कार्य। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे जिंक यानी कि जस्ते के कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जिंक या जस्ते के कार्य। जिंक क्या काम करता है, जिंक जो होता है वो पादपों में ऑक्सीकरण जो है उसमें सहायक होता है। पहला फंक्शन क्या होता है, पादपों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है और पौधों के अंदर जो पानी है उसके चूसने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन उपापचय जो संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं उनमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जस्ता जो होता है प्रोटीन है कैरोटीन है उसके संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। जस्ते का जो प्रमुख कार्य है पादपों में ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है उसके निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ऑक्सीजन हार्मोन की जो सांद्रता है उसको नियंत्रित करता है। यह इंडोल एसिटिक एसिड जो IAA है उसके निर्माण में भी ये क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ट्रिप्टोफैन जो है उसके संश्लेषण में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो ये है आपके जस्ते के कार्य। कौन कौन से कार्य होते हैं जस्ते के, ये ऑक्सीकरण, पौधों के ऑक्सीकरण में क्या होता है, सहायक, पौधों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। पौधों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। पौधों के पानी चूसने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। पौधों के पानी चूसने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। कैरोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन की सांद्रता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इसका नाम होता है इंडोल एसिटिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इंडोल एसिटिक एसिड, पेपर में पूछ ले आपसे इंडोल एसिटिक IAA का पूरा नाम क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में। नेक्स्ट ट्रिप्टोफैन जो होता है, ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण में सहायक होता है। ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक।
तो ये है आपके जिंक जस्ते के कार्य। नेक्स्ट बात करेंगे तांबा या कॉपर के कार्य। तांबा क्या होता है? पौधों के अंदर जो विटामिन ए है उसकी वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। यह पौधों का वृद्धि और विकास जैसी जो अनेक क्रियाएं उनको उत्तेजित करता है। यह भी IAA वृद्धि कारक जो हार्मोन है उसके संश्लेषण में क्या होता है? सहायक। तो नेक्स्ट में बात करते हैं इसी में कॉपर या तांबे के कार्य। तो इसमें होता क्या है? कॉपर के कार्य, CU के कार्य, ये का काम करता है पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में क्या होता है? सहायक। यह पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में सहायक होता है। पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में क्या होता है? सहायक। दूसरी बात, पौधों के वानस्पतिक वृद्धि विकास में क्या होता है? सहायक। पौधों के वानस्पतिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। पौधों के वानस्पतिक वृद्धि एवं विकास में यह भी IAA के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इंडोल एसिटिक जो एसिड है वृद्धि कारक हार्मोन जो है उसके संश्लेषण में सहायक होता है। यह भी IAA वृद्धि कारक हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपके कॉपर के कार्य। पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में सहायक होता है, पौधों के वानस्पतिक वृद्धि विकास में सहायक होता है। ये भी है जो इंडोल एसिटिक एसिड जो वृद्धि कारक हार्मोन है उसके संश्लेषण में ये सहायक होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी।